हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन विद सरस। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकन एलईडी स्ट्रिप को कैसे ठीक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एलईडी स्ट्रिप यहाँ से ब्रेक हो गई है। तो इसके लिए आपको एक कटर की ज़रूरत होगी, एक सोल्डरिंग आयरन और थोड़ा सा सोल्डर वायर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एलईडी स्ट्रिप को पावर ऑन करके देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि एलईडी स्ट्रिप यहाँ तक ग्लो हो रही है, इसके बाद से ये ब्रेक है। तो यहाँ से हमें इसे रिपेयर करना होगा। आप देख सकते हैं कि हर एलईडी स्ट्रिप में 3 एलईडीज के बाद एक सोल्डरिंग के लिए कनेक्शन होता है, जिसको कि हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से कट करूँगा। इसे बीच में से कट करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों एलईडी बेकार हो चुकी है, तो हम इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है प्लस और यहाँ माइनस, सेम ऐसे ही जो हमने इस हिस्सा हमने काटा है वहाँ पे ही प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो इसे आपको इसी कंडीशन में जॉइंट करना है। तो सबसे पहले आप दोनों को बिल्कुल पास पास ले आए और एक दूसरे के बिल्कुल साथ में चिपका दें, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी रहे। अब हम अपनी सोल्डरिंग आयरन को ऑन करते हैं। तो अब चेक करते हैं कि सोल्डरिंग आयरन हीट अप हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा सोल्डरिंग आयरन इस टाइम रेडी है, तो हम इस पे सोल्डरिंग करेंगे। अब ध्यान रहे कि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टर आपस में सोल्डर ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सोल्डरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि ये कनेक्शन सही हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी लाइट हमारी ठीक हो चुकी है, पूरी लेंथ। इसके बाद हमें एक सेलो टेप की ज़रूरत होगी और हम सेलो टेप को काटकर इसके ऊपर जहाँ हमने सोल्डरिंग की थी वहाँ हम चिपकाएंगे, ताकि ये सोल्डरिंग जॉइंट हमारा वापस से ना टूटे। और इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी स्ट्रिप अब ठीक हो चुकी है। हमने जो ब्रोकन इसका हिस्सा था उसे काटकर अलग करके हमने वापस से इसे सोल्डर कर दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।